अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल धोरण 6 विषय सामाजिक विज्ञान विषया प्रकरण 12 नक्शो समझिए। विद्यार्थी मित्रों आ पहलाना तास में अपने रूट संज्ञाओ विषय जोई गया। रूट संज्ञाओ ए शू छे तो रूट संज्ञाओ नो उपयोग थाय छे कोईपण सांस्कृतिक के प्राकृतिक वस्तुओ दर्शावा माटे रूट संज्ञाओनो उपयोग थाय छे। आपणे रूट संज्ञाओ बधी पर्वत टेकवी शिखर आ बधानी रूट संज्ञा पण जोई गया। हवे आगळ आपणे आजे चिन्हो उपरांत नक्शामां जुदा जुदा रंग तमने जोवा मळ्या हशे। तो आ जुदा जुदा रंग सेना माटे होय छे? तो जुदा जुदा रंग अने रंग स्तरथी विभिन्न प्राकृतिक अने सांस्कृतिक विगतो दर्शावी शकाय छे। नीचे आपेल कोष्टकमां प्राकृतिक अने सांस्कृतिक विगतोने रंग वडे दर्शावेल छे। तो जुओ कयो रंग कोना माटे वपराय छे? तो भूमि स्वरूप माटे कथ्थई के बदामी रंगनो उपयोग थाय छे। भूमि स्वरूप दर्शाववा माटे नक्शानी अंदर भूमिनुं स्वरूप दर्शाववा माटे कथ्थई के बदामी रंगनो उपयोग थाय छे। आपणे भूमि स्वरूपो जोई गया छे अने तमने खबर ज छे के भूमि स्वरूपमां कई कई वस्तु आवी जाय छे। पर्वत उच्च प्रदेश खंड पर्वत वगैरे भूमिना स्वरूपो छे तेनो दर्शाववा माटे कथ्थई के बदामी रंगनो उपयोग थाय छे। पछी जल स्वरूप, जल स्वरूप माटे वादळी रंगनो उपयोग थाय छे। जल स्वरूप माटे आ वादळी रंग तमने देखाई रह्यो छे, आ वादळी रंगनो उपयोग जल स्वरूप माटे वपराय छे। जेम के नदीओ अरब सागर ते दर्शाववा माटे नक्शानी अंदर वादळी रंगनो उपयोग करवामां आवे छे। वनस्पति प्रदेश, वनस्पति प्रदेश माटे लीलो रंग दर्शाववामां आवे छे, लीलो रंग दर्शावी शकाय छे। रेल मार्ग, रेल मार्ग माटे काळो रंग वपराय छे, रेल मार्ग दर्शाववा માટે કાળો રંગ વપરાય છે અને જમીન માર્ગ દર્શાવવા માટે લાલ રંગનો ઉપયોગ થાય છે। જમીન માર્ગ દર્શાવવા માટે આ લાલ રંગનો ઉપયોગ થાય છે। ખેતી નકશામાં ખેતી દર્શાવવા માટે પીળો રંગનો ઉપયોગ થાય છે। खेती माटे पीळो, याद रखो। भूमि स्वरूप माटे कथ्थई बदामी, जल स्वरूप माटे वादळी, वनस्पति प्रदेश माटे लीलो, रेल मार्ग माटे काळो, जमीन मार्ग माटे लाल अने खेती माटे पीळो रंग वपराय छे। हवे आपणे भारतनो स्थान जोईए। भारतनो स्थान, भारत केवो देश छे? तो एक विशाळ भूमि भाग धरावे छे, एटले भारत एक विशाळ भूमि भाग छे। भारत देश पृथ्वी पर उत्तर पूर्व गोलार्ध में आवेल छे। पृथ्वी छे आखी पृथ्वी छे, केवी छे? गोल, नारंगी जेवी छे। तो तेनी ऊपर आ पृथ्वीनी ऊपर भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में आवेल छे अने भारत एशिया खंड में दक्षिण भाग में आवेलो छे। जे उत्तर गोलार्ध में एशिया छे, एशियाना दक्षिण भाग में भारत आव्यो छे। भारतनी उत्तरे हिमालय पर्वतमाला आवेली छे, भारतनी उत्तर दिशामां हिमालय पर्वतमाला आवेली छे। पूर्व दिशाए बंगाळनो उपसागर छे अने पश्चिम दिशाए अरब सागर आवेलो छे। भारतनो मुख्य भूमिखंडनो विस्तार 8.4 थी 37.6 उत्तर अक्षांश अने 68.7 थी 97.25 पूर्व रेखांश ऋत वच्चे आवेलो छे। भारतना लगभग मध्य भागमांथी, भारतना लगभग मध्यमांथी कर्कवृत्त पसार थाय छे। वर्तमान समय में भारत ने वहीवटी सरलता माटे 28 राज्यों अने 7 केन्द्र शासित प्रदेश अने एक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में वेचवामां आवेल छे। विद्यार्थी मित्रों भारत वर्तमान समय में भारत ने वहीवटी सरलता एटले के वहीवट करवामां सरलता रहे ते माटे जुदा जुदा राज्य पाड़वामां आव्या छे, आव्या छे। ने आ केटला राज्य छे? तो 28 राज्यों अने एमां 7 राज्यों केन्द्र शासित प्रदेश छे। हवे आपणे केन्द्र शासित प्रदेश अने राज्यों जोवाना छे। जुओ आ छे आपणा भारतना राज्यों अने केन्द्र शासित प्रदेशोना नक्शा।
तो चलो अपने राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेशों नक्शा ने समझिए। सौथी पहला तो केंद्र शासित प्रदेश ए शू ए जोई लीए तो कोई पर राज्य पोतपोतानी सरकार चूटे छे। पण जे केंद्र शासित प्रदेश होय छे एमां सीधे सीधो कोनो शासन चाले छे तो भारत सरकार नो शासन सीधे सीधे चाले छे। भारतना जुदा जुदा राज्यों में बधा ज राज्यों पोतपोतानी सरकार नी चूंटणी करे छे अने चूंटणीओ द्वारा एनी सरकार बने छे। परंतु जे केन्द्र शासित प्रदेशों होय छे ते प्रदेशों में सीधे सीधे सीधू भारत सरकारनुं शासन होय छे। हवे आपणे केन्द्र शासित प्रदेशों अने 28 राज्यों जोईए। सौथी पहला तो आपणे राज्य जोई ले जो राज्य जोवानुं छे तो चलो राज्य जोईए। विद्यार्थी मित्रों चलो अपने भारतना राज्यों 28 राज्यों जोई लीए। अरुणाचल प्रदेश आ एक राज्य है। जुओ अहीं अरुणाचल प्रदेश अहीं आव्युं छे ग्रीन कलरनो तमने देखाई रह्युं छे। आ छे अरुणाचल प्रदेश। बीजू छे असम। अहीं असम देखाई रह्युं छे। आ छे बीजू राज्य असम। त्रीजू छे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या हशे आ भारतनी नीचेनी दिशामां आंध्र प्रदेश छे। अरुणाचल प्रदेश ए भारतनी कई दिशामां आवेल छे तो अरुणाचल प्रदेश भारतनी उत्तर पूर्व दिशामां आव्यु छे। आ छे अरुणाचल प्रदेश जे उत्तर पूर्व दिशामां आव्यु छे। चलो हवे आंध्र प्रदेश आपणे जोई गया। जोईए उत्तराखंड। आ छे उत्तराखंड भारतनी उत्तर दिशामां छे। उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश आ एक राज्य छे उत्तर प्रदेश। पछी ओडिशा भुवनेश्वर ए एक आ एक राज्य छे ओडिशा भुवनेश्वर। आगळ जोईए कर्नाटक। सातमुं छे कर्नाटक। जो आ छे कर्नाटक। कर्नाटकनो स्थान जोई लईए। महाराष्ट्रनी नीचे कर्नाटक। हवे आठमो प्रदेश केरल। कर्नाटकनी नीचे बेंगलोर। बेंगलोरनी नीचे केरल। आ आठमो राज्य छे केरल। येलो कलरनुं पीळा कलरनुं तमने देखाई रह्युं छे। आ छे केरल। हवे नवमू गुजरात राज्य। आने तो आपणे ओळखीए छीए गुजरात राज्य छे नवमू। दसमू अग्यारमू छे दसमू छे छत्तीसगढ़। अहीं छे छत्तीसगढ़। तेलंगाणा महाराष्ट्र कर्नाटक गोवा असम उत्तर प्रदेश दिल्ली गुजरात राजस्थान पंजाब। आ छे पंजाब। हिमाचल प्रदेश पंजाबनी उपर हिमाचल प्रदेश। एनी बाजूमां ज उत्तराखंड। आ ग्रीन कलरनो तमने देखाई रह्यो छे लीलो कलर। आ उत्तराखंड। एनी ज नीचे उत्तर प्रदेश। अहीं आवी जाओ बिहार। पटनानी उपर बिहार। एनी ज नीचे झारखंड। एनी नीचे पश्चिम बंगाल। अहीं जुओ त्रिपुरा। आ छे त्रिपुरा। आ पण एक राज्य छे। मिजोरम आ पण एक राज्य छे। एनी मिजोरमनी बराबर उपर मणिपुर। आ मणिपुर पण एक राज्य छे। तमने आ राज्यनी उपर एक चिन्ह देखाई रह्युं छे जे अहींया दर्शाववामां आव्युं छे। आ जुओ लास्टमां जे छे आ चिन्ह બધી જ બધા જ રાજ્યો ઉપર તમને દેખાઈ રહ્યું હશે। મિઝોરમની ઉપર પણ છે મણિપુરની ઉપર પણ ગોળ રાઉન્ડનું નાનું એ રાજ્ય દર્શાવે છે। એની ઉપર નાગાલેન્ડ। નાગાલેન્ડ પણ એક રાજ્ય છે। હવે બિહાર નાગાલેન્ડ દિલ્હી
ઉત્તર પ્રદેશ, આ બધા મધ્ય પ્રદેશ, સૌથી વચ્ચે મધ્યમાં મધ્ય પ્રદેશ આવ્યું છે. મધ્ય પ્રદેશ આ બધા ભારતના રાજ્યો છે. આ ભારતના રાજ્યો આપણે આજે જોઈ ગયા. હવે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો જોઈએ. ફરીથી એકવાર તમને રાજ્યોના નામ કહી દઉં છું. કેરળ, તમિલનાડુ, આ છે તમિલનાડુ, કર્ણાટક, અહીંયા છે કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, આંધ્રપ્રદેશ, ગોવા, તેલંગાણા, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ, ઝારખંડ, બિહાર, ઉત્તર પ્રદેશ, ઉત્તરાખંડ, પંજાબ, હિમાચલ પ્રદેશ, સિક્કિમ, આ છે સિક્કિમ, મેઘાલય, દિસપુર, મેઘાલયની ઉપર દિસપુર, એની જ બાજુમાં અસમ, એની ઉપર અરુણાચલ પ્રદેશ, આ બધા મણિપુર, નાગાલેન્ડ, મિઝોરમ, ત્રિપુરા, આ બધા ગુજરાતના રાજ્યો છે. હવે આપણે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો જોઈ લઈએ કે કયા કયા 7 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો જોઈએ કે કેન્દ્ર શાસિત આ 7 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો કયા કયા છે. જુઓ, દમણ અને દીવ અને દમણ તમે સાંભળ્યું હશે, આ એક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે. દાદર અને નગર હવેલી, દાદર ઓર નગર હવેલી, આ પણ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ છે, બે થયા. ત્રીજું છે દિલ્હી, લક્ષદ્વીપ ચોથું, પાંડુચેરી પાંચમું, આંદામાન અને નિકોબાર છઠ્ઠું, અને દિલ્હી સાતમું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચંદીગઢ આઠમું અને અત્યારે નવું આ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ ઉમેરાયું છે, જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ, આ બે મળીને 9 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો થઈ ગયા છે, જે હાલમાં થયા છે. પહેલા અત્યાર સુધી 7 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો હતા, આંદામાન નિકોબાર, ચંદીગઢ, દીવ અને દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી, લક્ષદ્વીપ, પાંડુચેરી, આંદામાન અને નિકોબાર, દિલ્હી એ કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પણ છે અને પાટનગર પણ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની અંદર નવા ઉમેરાયા છે એ જમ્મુ કાશ્મીર અને લદ્દાખ, જે બંને એક જ રાજ્ય છે અને જુદા જુદા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો છે. અલ્લાહ હાફિઝ.